हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेल्फ सुलेखा द्विवेदी एंड आई एम टीचर ऑफ कंप्यूटर। नाउ वी आर लर्न सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर क्लास 5 चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। सो स्टार्ट। कंप्यूटर आर वेरी यूजफुल मशीन एंड हेल्प अस टू डिफरेंट थिंग। दे आर अस इन होम स्कूल ऑफिसेज सॉरी यूज यूज्ड इन होम स्कूल ऑफिसेज हॉस्पिटल बैंक एंड मेनी अदर प्लेसेज। इन फैक्ट कंप्यूटर बिकेम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ फॉर मोस्ट ऑफ अस। दैट मीन कंप्यूटर जो है इस समय बहुत ही यूजफुल मशीन है। इसका यूज होम स्कूल ऑफिस हॉस्पिटल बैंक में होता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज़ होता है। कंप्यूटर कुड नॉट ऑलवेज डू द थिंग दे डू टूडे। द फर्स्ट कंप्यूटर वर लार्ज एक्सपेंसिव मशीन दैट वर यूज फॉर डूइंग लॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। दे वर यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर लार्ज बिजनेसेस एंड मिलिट्री एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Over the year, computers became easier to use. Let us learn about how computer developed into the compact machine that we use every day. That means computer could not always do the thing they do today. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के समय में कंप्यूटर कर सकती है हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो पहला कंप्यूटर था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही एक्सपेंसिव था और उसका यूज ज़्यादातर कहाँ होता था, साइंटिस्ट और इंजीनियर लार्ज बिजनेस में मिलिट्री में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये सब चीज़ों में। लेट अस लर्न अबाउट हाउ। अब यहाँ नीचे हम क्या पढ़ेंगे, जब कंप्यूटर का कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ। अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। टू कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट समथिंग। कंप्यूट का मतलब होता है कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करना। सम ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस वर बेस्ड ऑन मूविंग पार्ट एंड कुड डू सिंपल कैलकुलेटिंग यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। द इसका मतलब है सम ऑफ द अर्लीस्ट कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो तुरंत जोड़ देते हैं किसको, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को, इसे कंप्यूटिंग मशीन बोला जाता है। एबिकस। द एबिकस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन कैलकुलेटिंग टूल्स। इट वॉज फर्स्ट मेड अराउंड 4500 ईयर्स अगो। इन दोज डे पीपल वर्क विथ नंबर्स व्हेन दे बॉट एंड सोल्ड थिंग्स सच एज कैटल ग्रेन्स एंड सो ऑन। द एबिकस हेल्प फ्रॉम परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। एबिकस क्या होता है, यह एक प्रकार का कैलकुलेटिंग टूल्स होता है। द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ एबिकस हैज अ फ्रेम यूजली मेड ऑफ वुड विथ वायर्स स्ट्रेचिंग अक्रॉस द फ्रेम। ईच वायर हैज 10 बीट्स ऑन इट एंड represent a place value. The lowest wire shows 1 unit, the one above it 10, the one above it 100 and so on. We can slide the beads on the wires to do sums. मतलब जैसे देखिए यहाँ पे abacus जो बना हुआ है, मतलब सारे जितने beads हैं उसमें सब में ये लगा हुआ है, इसी तरह का ये ज़्यादातर देखिए बच्चों के कैलकुलेशन के यूज में होता है। नेपियर्स बोन्स। दिस डिवाइस वाज मेड बाय जॉन्स नेपियर इन द अर्ली 1600। इट लेट्स अस फाइंड द प्रोडक्ट एंड क्वाटेंट्स ऑफ लार्ज नंबर इजली इन ऑर्डर टू यूज नेपियर्स बोन्स। अ पर्सन नीड टू नो ओनली हाउ टू एड एंड सब्ट्रैक्ट। नेपियर्स बोन किसने भी बनाया था, नेपियर नाम के साइंटिस्ट ने, जॉन नेपियर नाम था उनका। उन्होंने कब बनाया था, 1600 ईसा पूर्व में। लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट एंड
ऑफ लार्ज नंबर इजली, इससे हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़ा नंबर को इजली प्राप्त कर सकते हैं। और इससे सब्ट्रैक्ट भी आसानी से हो जाता है। द डिवाइस हैज अ लार्ज बोर्ड विद द नंबर 119 अरेंज वर्टिकली ऑन द लेफ्ट बोन्स आर रोड सच एज द वन शोन इन द पिक्चर आर प्लेस्ड ऑन द बोर्ड टू डू डिफरेंट कैलकुलेशन। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा बोर्ड होता है जिसमें ये 1 से 9 तक नंबर अरेंज किए होते हैं वर्टिकली रूप से, और वन शो इन द पिक्चर, जो कि पिक्चर में देखिए यहाँ पिक्चर में शो किया हुआ है, इससे हम डिफरेंट प्रकार के कैलकुलेशन कर सकते हैं। पास्कलिन एंड स्टेप रेकोनर, द पास्कलिन एंड द स्टेप रेकोनर वर मैकेनिकल डिवाइसेस दैट वर यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन, बोथ दीज डिवाइसेस यूज्ड गॉस मूविंग टूथ व्हील। द पास्कलिन वॉज मेड बाई ब्लेसी पास्कल अराउंड 1642। गॉटफ्रेड विलियम वन लेबनीज कंप्लीटेड द स्टेप रेकोनर अराउंड 1694। इसका मतलब ये है कि जो ब्लेसी पास्कल थे वो 1642 में इसका निर्माण किए थे, लेकिन इसको कंप्लीट होने में, इसको कंप्लीट किसने किया था, रेकोनर ने, तो इन्होंने 1694 में कंप्लीट किया था। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, इन द 19th century चार्ल्स बैबेज ऑफ इंग्लैंड डिजाइन दिस टू कंप्यूटिंग मशीन बट ही कुड नॉट कंप्लीट देम। आफ्टर हिम साइंटिस्ट कंप्लीटेड दिस मशीन एंड फाउंड दैट दे कुड डू कंप्लीटेड कैलकुलेशंस एक्यूरेटली। द एनालिटिकल इंजन वॉज फार मोर efficient than the difference engine. It was a mechanical device that could be programmed like a computer. This is why Charles Babbage is considered the father of the computer. देखिए इसका मतलब ये है कि सबसे पहले चार्ल्स बैबेज ने ये जो फिगर में कंप्यूटर दिखाई दे रहा है ऐसा डिवाइस बनाया था, फिर इसको धीरे धीरे और अदर साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया और अच्छे से बनाया, इसीलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के फादर के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न कंप्यूटर, ऑल द डिवाइस दैट वी लर्न अबाउट इन द प्रीवियस सेक्शन वर मैकेनिकल डिवाइसेस दैट डिड नॉट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। द फर्स्ट ट्रू कंप्यूटर वॉज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 डिफरेंट जनरेशन। द अर्लीस्ट कंप्यूटर बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन। इसका मतलब है जो मॉडर्न कंप्यूटर के 5 डिजाइन होते हैं, कितने डिजाइन होते हैं, 5 डिजाइन होते हैं। ऑल डिवाइस वी लर्न अबाउट इन द प्रीवियस सेक्शन, जैसे हमने पिछले पूरे सेक्शन में पढ़ा उसी तरह से 5 जनरेशन में बांटा गया है। क्या क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फ्रॉम द 1940th century। देखिए पहला जो जनरेशन था कंप्यूटर का वो 1940th century था। दिस कंप्यूटर यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब। द वर्किंग पार्ट ऑफ दिस डिवाइसेस आर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब आर लार्ज डिवाइस, दिस इज व्हाई द कंप्यूटर यूजिंग देम वर लार्ज। वैक्यूम ट्यूब नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। दे हीट अप अ लॉट सो द कंप्यूटर यूजिंग देम हैड टू बी कूल्ड प्रॉपरली। वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द जनरेशन वॉज द ENIAC। इसका मतलब ये है कि द कंप्यूटर यूज इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर जो होता है वह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। तो पहला जो 1940th century में बना हुआ था उसमें सारे पार्ट्स अलग अलग थे, वो काम करते करते गर्म हो जाता था तो उसे कूल करने के लिए अलग से उसमें पार्ट ऐड किए हुए थे। पंच्ड कार्ड्स,
punched card were used to use for input output and storage. A punched card is a piece of stiff card in which holes are punched in at specific point to represent data. First generation computer would read programs and data from these cards. They would also output data on these cards. Some computer also use printer for output. इसका मतलब है जो पंच कार्ड, इसमें पार्ट्स होते हैं ना, तो पहले के जो कंप्यूटर थे वो सब बड़े बड़े थे, तो उसमें पार्ट्स सब थे अलग अलग, इसलिए वो बड़ा था. उसमें क्या होता था, इनपुट और आउटपुट स्टोरेज के लिए अलग से चीज़ें बनी होती हैं जिसका नाम पंच्ड कार्ड्स होता था. वो अलग से उसमें प्रेजेंट किए जाते थे जिससे आउटपुट दिया जाता था, देन इनपुट प्राप्त होता था. दिस कंप्यूटर कुड ओनली डू वन टास्क एट अ टाइम. दे हैड टू बी प्रोग्राम फ्रेशली टू ईच टास्क. द प्रोग्राम वुड बी ऑन अ स्टॉक ऑफ पंच्ड कार्ड्स. दिस कंप्यूटर कुड ओनली डू वन टास्क. ये जो कंप्यूटर था एक बार में एक ही काम कर सकता था. अभी के जो इस समय प्रेजेंट टाइम के कंप्यूटर होते हैं वो एक बार में कई काम कर लेते हैं ना, लेकिन जो ये सब थे पहले के वो एक बार में एक ही काम करता था, उसके बाद उसे रेस्ट दिया जाता था. ओके, नेक्स्ट टुमारो वी आर लर्न.